दोस्तों, आज है 20 तारीख और कल है 21, यानी डंकी और राजकुमार अनिल, टू ऑफ द बिगेस्ट कॉम्बिनेशन एवर इन बॉलीवुड, जिसका पता नहीं, आई थिंक सबको बेसब्री से इंतजार था। कल वो लम्हा आ गया है जब ये पिक्चर रिलीज होगी, बट पिक्चर से पहले क्योंकि एक क्लैश था तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेके बहुत अटकलें चल रही थी। फाइनली एक बहुत कंफर्म्ड अपडेट आया है डंकी के स्क्रीन काउंट को लेके। सारी बातों पे बात करेंगे, डंकी के स्क्रीन काउंट फाइनल, डे वन प्रेडिक्शन कितनी जा रही है, डे वन एडवांस कितनी जा रही है, उसके बाद प्रेडिक्शन ये मूवी फर्स्ट डे कहां जाती हुई दिख रही है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पहले एक रिक्वेस्ट, आपको ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये हो गई एक बात। अच्छा जी सुनो मेरी बात, 21 तारीख यानी डंकी सोलो रिलीज, नो सलार ऑन 21 तारीख, सलार ऑन 22, पर पहले एनिमल्स और एक्वामैन और वो सब चीजें चलेंगी साथ साथ। तो 21 तारीख को कंफर्म्ड खबर है कि डंकी को पेन वालों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने हाईएस्ट एवर, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता था मैक्सिमम स्क्रीन्स दी हैं, जो है 4000 स्क्रीन्स अनडाउटेडली ऑन एवरी मल्टीप्लेक्स, ऑन एवरी सिंगल स्क्रीन, मतलब हिंदी फॉर्मेट में आपको डंकी ही दिखेगी। पर अब सवाल यह है कि 22 को क्या खबर है। भाई देखो 22 की बताता हूं मैं तुम्हें, 22 की भसड़ कल तक चलेगी 3 बजे तक, ये चीज अभी तक निकल के आ रही है। अब वो आप बोलोगे भाई कल 3 बजे तक क्या जादू होने वाला है। देखो भाई अब जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन, उसका हल सिर्फ एक ही निकाला गया फाइनल में, कि भाई डंकी का कल रिस्पॉन्स देखा जाएगा। नून तक 1, 2, 3 बजे तक जो भी डंकी का रिस्पॉन्स होगा ना, उसके हिसाब से फाइनली ये एग्जीबिटर्स ने डिसाइड किया है और डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग जो हुई है इनकी, उन्होंने ये बोला है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम डंकी लगाने को तैयार हैं, शाहरुख बींग मतलब थोड़ा नॉर्थ साइड में उसका ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डंकी लगाएंगे, लेकिन कल 2-3 बजे तक का वेट करेंगे कि डंकी की परफॉर्मेंस क्या रहती है। अगर डंकी की परफॉर्मेंस रिव्यूज बढ़िया आउट हुए और परफॉर्मेंस बढ़िया आती हुई दिखी, तो फ्राइडे से डंकी को मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज मिलेंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 3000 तक के शोज डंकी जरूर पकड़ के जाएगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1000 देखो अभी भी लेफ्ट है, 5000 टोटल स्क्रीनें अभी तक, 21 को भी डंकी को 4000 स्क्रीनें ही मिल रही हैं, तो मेरी ऐसी उम्मीद है 3000 से 3500 स्क्रीनें डंकी 22 को लेके जाएगी, 3500 स्क्रीनें पकड़ो अगर रिस्पॉन्स कल का बढ़िया हुआ, बाकी सब कुछ अब कल पे डिसाइडेड है। अभी जो इतनी लड़ाई चल रही है डिस्ट्रीब्यूटर्स की और फैन वॉर, तो अलग बातें उनकी चल रही है, उसका सबका निष्कर्ष एक निकल चुका है कि कल डंकी की रिपोर्ट्स का वेट करो, ये रही एक बात। दूसरी बात, जो डंकी की एडवांस रही है वो अभी तक 11.25 करोड़ के आसपास आई है विदाउट ब्लॉक सीट्स, तो आप ये लगा के चलो कि डंकी की जो फाइनल एडवांस छूटेगी ना विद ब्लॉक सीट्स, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी 10,000 टिकट्स बुक होनी स्टार्ट हो गई हैं पर आवर की स्पीड से, तो जो ये योनर है ड्रामा योनर, इसमें आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15-16, 16.5 करोड़ की एडवांस लगेगी विद ब्लॉक सीट्स, विदाउट ब्लॉक सीट्स, और टोटल जो इसकी, आप बोलोगे कुणाल भाई आपकी प्रेडिक्शन क्या है फर्स्ट डे की। देखो मैं एक बात बोलता हूं, प्रेडिक्शन यार एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जम्पशन लेते हैं कि मूवी के जो वर्ड ऑफ माउथ है वो सबको जो एक्सपेक्टेड है वैसा वर्ड ऑफ माउथ निकले, राइट, तो लगा लो जैसे 4 स्टार मिनिमम ये एक्सपेक्टेशन है ना राजकुमार रानी से, तो अगर ऐसा हो गया तो इसकी फर्स्ट डे की जो कलेक्शन मुझे आती हुई दिख रही है वो 35 करोड़ तो कहीं नहीं गई। अब ये सिर्फ पहले दिन की कहानी है, थर्सडे नॉन हॉलीडे, राइट, अब अगर 35 करोड़ इसके 16 करोड़ एडवांस के बाद विदाउट ब्लॉक सीट्स 35 करोड़ अगर आ गए डंकी के फर्स्ट डे, तो इसका मतलब है कि डंकी का कोहराम शुरू हो जाएगा फ्राइडे सैटरडे संडे भी छोड़ो, कुछ बहुत लोग कह रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे के बिजनेस को पकड़ेंगे, मैं नहीं मानता, मेरी नजर रहेगी मंडे के बिजनेस में सब्सिक्वेंट, बिकॉज छुट्टियां आ रही हैं 20 से 30 दिसंबर, बहुत जबरदस्त पीरियड है, और फिर 22 को सलार भी आ जाएगी, वो तो चलो दूसरी रिपोर्ट में बात करेंगे, बट डंकी का फाइनली यही है कि भाई 35 करोड़ पे मुझे इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। अगर 16 करोड़ की एडवांस होती है, होपफुली मुझे लग रहा है 16 करोड़ तक एडवांस हो जाए, मतलब अगर 13-14 तक छोड़ती है तो फिर ये 32-30 तक इसको प्रेडिक्शन को रखेंगे, बट डंकी का अभी 35 करोड़ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्लैश सिर्फ सलार से नहीं है, एनिमल से भी हो रहा है, एक्वामैन से हो रहा है, बिकॉज सारी मूवी कट्ठे आ रही है, कट्ठा एकदम फंस गया सब मामला, चौक हो गया, बट एनीवेज अगर 35 करोड़ आती है नेक्स्ट वीक, जबरदस्त तरीके से डंकी का जो राजकुमार रानी का जो एक पेटेंट है वो है नंबर ऑफ फुटफॉल्स, उनके नंबर ऑफ फुटफॉल्स पे ही सारी कहानी चलती है भाई लोगों, तो बहुत सारे लोग जो घबराए हुए ना एसआरके के फैंस, मुझे लगता नहीं है आपको घबराने की जरूरत है, पर ये तो बात जो है वो है क्लियर है कि हमें पिक्चर के वेट करना पड़ेगा कि पिक्चर का रिस्पांस क्या है। यार अगर पिक्चर मान लो 70 करोड़ भी कमा जाए पहले दिन, अगर कमाती है, अभी कमाएगी नहीं, अगर कमाती और अगर पिक्चर बढ़िया नहीं है तो उसका 70 करोड़ का क्या फायदा, और अगर एट दी दूसरे हैंड पे अगर पिक्चर मान लो 30 करोड़ पे कमा रही है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है, तो भाई फुटफॉल्स पे ध्यान रखा करो, सिंपल सी बात है।
जो भी एसआरके के शाहरुख के फैंस हैं या इवन सलार के भी फैंस हैं प्रभास के भी, आई थिंक नजर फुटफॉल्स में होनी चाहिए, फुटफॉल्स कितने पड़ रहे हैं, बिकॉज टिकट प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कलेक्शन को छोड़ो फुटफॉल्स पे नजर रखो, फुटफॉल्स क्या डंकी जवान को, पठान को, गदर टू, ये वाले फुटफॉल्स को तोड़ पाएगी? मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तोड़ पाएगी, लेकिन मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं कल शो देखूंगा और आपको अपना जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, उसके बाद बात करेंगे कि मैं आपको कल ही बता दूंगा कि डंकी का क्या फ्यूचर होने वाला है भाई, इसके क्या मुझे एस्पेक्ट्स लग रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, बट